अस्सलामु अलैकुम, मैं चांद वेलकम करता हूँ इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। मतलब इसमें आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपको भी काफ़ी पसंद आने वाली है। मार्केट में तो अवेलेबल नहीं होती, लेकिन किसी ना किसी शॉप से आपको हो सकता है मे बी के मिल भी जाए। लेकिन ये ग्री कंपनी एयर कंडीशनर जो है वो डीसी इन्वर्टर के साथ अपने दे रही है, जिसमें आप देख सकते हैं पाइप जो है एक ट्यूब बेंडर की तरह ही बना हुआ है। ओके, तो मतलब कि 1.5 से 2 फीट का जो है इन्होंने पाइप के पास जो है वो रख दिया है। ये एक ट्यूब बेंडर की तरह, मतलब जो स्प्रिंग बेंडर होता है उसकी तरह बना दिया है, जिसको हम आसानी के साथ मूवमेंट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर अभी करके दिखाता हूँ, मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट करके आपको दिखाता हूँ, लेकिन ये बेंड नहीं होगा पाइप। तो जहाँ से आपको कनेक्ट करना आता है अपने आउटडोर यूनिट के पास या इंडोर यूनिट के पास, वहाँ पर आपको कई बार बेंड करना पड़ता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं इस तरह से आपको करना पड़ता है। तो मतलब उस पोजीशन पर आप इस तरह का अगर आपके पास पाइप होगा तो आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। तो चलिए मैं आपको मतलब एक करके दिखाता हूँ थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल यहाँ पर, कि ये कितनी मूवमेंट इसमें जो है वो मतलब है, कितनी ज़्यादा मूवमेंट है। आप इसको बेंड ज़ीरो, मतलब 0% आपका बेंड होगा ही नहीं। दोनों तरफ आपको जो है मैक्सिमम जो है वो आपको एक एक जो है 1.5 से 2 फुट जो है वो मैक्सिमम आपको स्पेस मिल जाती है, और सेंटर में से बिल्कुल इक्वल पाइप आपका गुजर रहा है। चलिए मैं आपको मूव करके दिखाता हूँ यहाँ पर एकदम, मतलब 5 फीट का पाइप हो या फिर पोनी का पाइप हो तो वो तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है बेंड करना, लेकिन इसको आप 1.5 से 2 फुट जो हिस्सा है इसमें आप इसको दाएं बाएं ऊपर नीचे जैसे मर्जी कनेक्ट कर सकते, मतलब बेंड कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं। तो बेंड पाइप जो है वो एकदम जो मुड़ जाता है, बेंड हो जाता है, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैं आपको इसको आउटडोर यूनिट के पास कनेक्ट करके दिखा देता हूँ कि हमने किस तरह से इसको आउटडोर यूनिट के पास कनेक्ट किया। और यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आउटडोर यूनिट वाली वीडियो। यहाँ पर अगर आप देखें तो मतलब हमारा पाइप जो है छोटे वाला कनेक्ट हो गया था डायरेक्ट, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा हो गया था। अभी बड़ा हो गया था तो मतलब हमें ये, मतलब अगर पाइप हमारा होता दूसरा वाला तो हम उसको सिंपल काट के फ्लेट डाल लेते, लेकिन ये मतलब इसमें काफ़ी ये मूवमेंट है, तो हम इसको आसानी के साथ मतलब इसमें कनेक्ट अभी भी कर सकते हैं। तो मतलब कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी अच्छी चीज़ ग्री वालों ने ये की है। और पहले भी काफ़ी कंपनी ऐसा जो है पाइप्स दिया करती थी, लेकिन अभी भी शायद कुछ ही कंपनी, सिर्फ ग्री ही मैंने देखा है, लेकिन हो सकता है कोई और कंपनी भी ऐसा पाइप जो है वो दे। तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार, आप इसको अच्छे से बेंड भी नहीं हुआ और कितना ज़्यादा आप देख सकते हैं मूव कर लिया है, तो मतलब काफ़ी ज़बरदस्त है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।